अस्सलाम वालेकुम मेरे ख़वातीन हज़रात मोज़ेस सामईन इकराम तलबा व तालबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज जो मैं वीडियो बना के लाया हूँ, बनाने जा रहा हूँ, उसमें आज मैं बच्चों के हवाले से थोड़ा सा बताना है आपको कि बच्चों को फ़िक्रात की इकसाम थोड़ी सी मैंने डिस्कस करनी है कि फ़िक्रात कितनी किस्म के होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को ग्रामर के हवाले से गाइड किया जाए, क्योंकि एक दो बच्चों ने मुझे कहा स्पेशल कि इस हवाले से मैं गाइड करें, तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा आज आपको गाइड करूंगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं मैं इंशाल्लाह आने करीब, तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा कि वो सीरीज़ किस पर मबनी होगी, वो किसको हम लेके चलेंगे। पूरा एक सीरीज़ होगी, उसमें पूरी हमने एपिसोड टाइप हम बनाएंगे इंशाल्लाह वीडियोज़, तो वो भी आने करीब मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊँगा लेकर। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ग्रामर का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो बच्चों के लिए बहुत अहम बात है। तो मैंने सोचा ये बच्चों से शेयर की जाए और बच्चों तक पहुंचाए, जिन बच्चों ने मुझसे ये डिमांड की थी। बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ ताकि हम अपना जो सिलसिला है जो फ़िक्रात का वो शुरू कर सकें। तो ख़वातीन हज़रात, स्टार्ट लेते हैं फ़िक्रा से। फ़िक्रे को अंग्रेज़ी में सेंटेंस कहते हैं और आम लफ्ज़ों में इसको जुमला भी कहते हैं। अब फ़िक्रा यानी सेंटेंस, जुमला जिसे हम कहते हैं, हर फ़िक्रे की दो इकसाम होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक या तो फ़िक्रा काम वाला होगा या फ़िक्रा बग़ैर काम वाला होगा। जो फ़िक्रा काम वाला होता है उसे हम वर्बल सेंटेंस कहते हैं। वर्बल सेंटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि काम करने को, सिर्फ काम करने को हम वर्ब कहते हैं अंग्रेज़ी में। काम करने को वर्ब कहते हैं। काम वाला फ़िक्रा होगा उसे हम वर्बल सेंटेंस कहेंगे, और जो बग़ैर काम वाला फ़िक्रा होगा उसे हम नॉन वर्बल सेंटेंस कहेंगे। तो ये दो टाइप्स होंगी फिक्रे की, सेंटेंस की, ये जुमले की, ये दो टाइप्स होंगी। सुबह से शाम हम जितने फ़िक्रात बोलते हैं वो इन्हीं दो पर मबनी होते हैं, या तो फ़िक्रा काम वाला होगा या फ़िक्रा बग़ैर काम के होगा। आगे आ जाए तो वर्बल सेंटेंस की आगे दो टाइप्स होती हैं। जो काम वाले फ़िक्रात होते हैं उनकी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिनमें काम करने वाला यानी सब्जेक्ट मौजूद होता है, और काम करने वाले को सब्जेक्ट चूँकि कहते हैं, उसमें जिस फिक्रों में ये मौजूद हो काम करने वाला उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। मसलन, असलम फुटबॉल खेलता है, असलम फुटबॉल खेलता है। अब इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, खेलना। कौन खेल रहा है, असलम, ये हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि काम ये कर रहा है, खेल ये रहा है, तो जो खेल रहा है, जो काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। काम हो रहा है खेलना, खेलने वाला असलम सब्जेक्ट मौजूद है, तो इस फिक्रे में चूंकि असलम सब्जेक्ट मौजूद है इसलिए हम इसको कहेंगे ये एक्टिव वॉइस है। दूसरी तरफ आ जाए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वो होते हैं जिनमें काम करने वाला ये सब्जेक्ट मौजूद ना हो, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। मसलन इसी फिक्रे को लेता हूँ तो आपके सामने ये पेश करता हूँ, देखिएगा। फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है। अब फिर काम हो रहा है, वर्ब क्या है, खेलना, पर इसमें खेलने वाला मौजूद नहीं है। कौन खेल रहा है, फुटबॉल तो खेला जाता है पर खेलने वाला मौजूद नहीं है, तो खेलना काम है, खेलने वाला मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका पैसिव वॉइस होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। आगे ख़वातीन हज़रात, एक्टिव वॉइस के बाद की भी आगे तीन टाइप, तीन ज़माने होते हैं जिसको हम जिक्र करते हैं, कर चुके हैं, करते रहते हैं। या तो प्रेजेंट का होगा ज़माना, या पास्ट का होगा, या फ्यूचर का होगा, और ये तीन ज़माने होते हैं एक्टिव वॉइस में। और तीनों ज़मानों के आगे पार्ट्स होते हैं, जुज होते हैं, हिस्से होते हैं, ये कह सकते हैं आप। मसलन इनडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब ये चारों, इसके भी इसी तरह पास्ट के चारों, इसी तरह फ्यूचर के चारों, जो कि मिलकर हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, हम लोग ये कहते आ रहे हैं जी 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, ये हैं टेंस जी। टेंस कहते हैं ज़माने को, और चूंकि हम लोग बचपन से सुनते हैं 12 टेंस होते हैं, तो 12 टेंस यही है। हर ज़माने के आगे चार हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जुज होते हैं। मसलन इनडेफिनेट पहला, कॉन्टीन्यूस दूसरा, परफेक्ट तीसरा, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस चौथा। तो इस तरह प्रेजेंट के चार पार्ट्स, यही चार पार्ट्स पास्ट के, यही चार पार्ट्स
फ्यूचर के, और यू करके ये 12 टेंसेस यानी 12 जमाने होते हैं। ये एक्टिव वॉइस का पार्ट है, और चूंकि एक्टिव वॉइस में ये 12 जमाने आते हैं, 12 टेंसेस आते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ ये 3 का डिस्कस किया जाता है। यहां तक इंडेफिनेट कंटीन्यूअस परफेक्ट सिर्फ इन 3 जमानों के पैसिव को डिस्कस किया जाता है। खवातीन हज़रात, चूंकि आज आपका मैंने आपको मैंने बताया कि ये हमारा टारगेट था, कि ये इसकी मैंने बेस बताई आपको, इसकी मैंने जो थीम था वो बताया। इंशाल्लाह इसी तरह वक्त मिलता रहा तो आगे मैं इसलिए ग्रामर शुरू करवाऊंगा, इंडेफिनेट कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस के जमाने टेंसेस शुरू करवाऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। प्रोफेसर खुर्रम रियाज़, दो का तलबगार, अल्लाह हाफिज़।